हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वुमेंस वर्ल्ड। तो आज मैं इस वीडियो में ब्रेड से एक आइसी मज़ेदार ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे सारे नए वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलिए रेसिपी को देखते हैं। आप देखिए, इस तरह से ब्रेड स्लाइस को लेकर इस तरीके से पीसेस की तरह कट कर लीजिए। आप इसी तरह से सारी ब्रेड स्लाइसेस से ब्रेड के पीसेस बना के साइड प्लेट में रख लीजिए। अब इसको हमें रोस्ट करना होगा। देखिए, अब इस तरह से पैन स्टोव पर एक पैन रख के उसमें थोड़ा सा बटर डाल लीजिए, और बटर हीट होने के बाद इसमें जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस को कट करके रखा था, उस स्लाइसेस को इसमें डालकर अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लीजिए। ये पीसेस गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इनको रोस्ट करना होगा। मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट कीजिए, वरना ये जल जाएंगे। देखिए, इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करके साइड में एक प्लेट में निकाल लीजिए। इसी तरह से सारे जो हमने ब्रेड स्लाइसेस से पीसेस बनाए हुए हैं, उसी तरह से आप उन सबको आप इसी तरह से रोस्ट करके रख लीजिए। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप थोड़ा सा घी यूज़ कर सकते हैं। अगर घी भी नहीं चाहते हो तो आप इसकी जगह पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बिना तेल घी के भी इसको रोस्ट कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने साइड में आलू और मटर को लेकर इस तरीके से एक टू विजिल्स के लिए उबाल कर रखा हुआ है। अब हमें इन दोनों को अच्छी तरीके से मैश करना होगा। इस तरीके से अच्छी तरह से मैश करके साइड में रख लीजिए। अब देखिए, एक तीन से चार टमाटर को लेकर इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस की तरह कट कर लें, और एक प्याज को लेकर इस तरीके से कट कर लीजिए, और थोड़े से कड़ी पत्ते को भी ले लीजिए। इसमें आप जितना टमाटर को ऐड करेंगे उतना इसका टेस्ट एनहांस होगा। अब फिर से स्टोव पर एक पैन को रख के थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए, और ऑयल हीट होने के बाद इसमें थोड़े से राई के दाने डाल लें। राई के दाने डालने के बाद इसमें जो हमने प्याज को कट करके रखा था उसको, और कड़ी पत्ते को भी डालकर प्याज गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना पड़ेगा। और उस समय पर आप जो टमाटर हमने काट के रखा था उस टमाटर को भी डाल लीजिए। अब टमाटर को डालने के बाद इसको अच्छे से हमें पकाना होगा। देखिए, एक टू मिनट्स टमाटर को पकाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब इस समय आप क्या कीजिए, जो हमने मटर और आलू को मैश करके रखा था ना, उसको इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए, हमारे मसालों में इसको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। और इसी समय आप इसमें एक टीस्पून हल्दी पाउडर और एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक भी इसमें डालकर अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि ये सारे मसाले और आलू और मटर जो हमने लिए थे वो दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें देखिए थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए, ताकि इसमें थोड़ा सा ब्रेड पानी को अब्सॉर्ब कर लेगी ना, तो इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा पानी डाल के फिर से इसको एक दो मिनट के लिए पका लीजिए। अब देखिए, दो मिनट पकाने के बाद इसमें जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस को रोस्ट करके रखा था, उस ब्रेड के पीसेस को आप इसमें डालकर अच्छी तरीके से सारे ब्रेड के पीसेस इन मसालों में मिक्स कर लीजिए। देखिए, इस तरीके से इवनली मिक्स करने के बाद इसमें देखिए एक नींबू को लेकर उसके रस को इसमें निचोड़ लीजिए। नींबू के रस को फाइनल में निचोड़ना होगा। निचोड़ने के बाद फाइनली हमें थोड़ा सा हरा धनिया लेकर इस पर गार्निश कर लेना है। फ्रेंड्स, आपके पास अगर कैप्सिकम हो तो आप इसको भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था सो मैं इसमें ऐड नहीं किया। देखिए, हमारा कितना डिलीशियस ब्रेड उपमा बनके रेडी हो चुका है। ये दिखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत मज़ेदार होगा। आप भी इसको ट्राई कर लीजिए। ये तो मेरा
फेवरेट नाश्ता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।